ये सोच रहे होंगे कि आज के कार्यक्रम में हम कोई चीज छुपाएंगे और उसे ढूंढने के लिए कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग तो कुछ रंग लेके कुछ ऐसे चित्र बनाएंगे जिसे तो बनाने वाले लोग भी ढूंढेंगे, और उसे सोचना होगा कि क्या बनाया है। इसीलिए तो हमने इसका नाम रखा है खोजो खोजो जल्दी खोजो। क्यों ना अब हम इसे बनाकर देखें। शशांक तुम शुरू करो। ये देखो, मैंने ये पीला रंग लिया और इसको ऐसे डाल दिया। इसके बाद मैंने दूसरा काला रंग लिया, इसको भी इसी तरह फैला दिया इसमें, और फिर मैंने गाढ़ा हरा रंग लिया। मैंने इसको ये मोड़ दिया और इसको ऐसे मल दिया। किसी पक्षी को पकड़े हुए लग रहा है। घर तो ये तो सच में वैसे ही लग रहा है, बहुत अच्छा। अब जरा मैं भी बना के देखती हूँ। अब मैं काला रंग लेती हूँ, इस तरह इसको फैला देती हूँ। ये लाल रंग, और ये गुलाबी रंग, अब थोड़ा सा सफेद भी लगा देते हैं। आप इसको हाथ से भी रगड़ सकते हैं और स्केल से। देखो तो क्या लग रहा है। वाह, मुझे तो ये प्यारी तितली लग रही है। हाँ, मुझे ये तितली अंगूरों के अंगूर चूसते हुए लग रही है। प्रिया अब तुम बनाकर दिखाओ।
ये तो सचमुच की तितली लग रही है, लेकिन आप इसमें कुछ कसर है। अब तो बहुत अच्छी लग रही है ये। ऐसा लग रहा है जैसे तितली बादल में उड़ रही है। अभिषेक अब तुम कर। अब जो मैं चित्र बनाने जा रहा हूँ वो मैंने पहले से ही सोच के रखा है। मैं एक झोपड़ी बनाने जा रहा हूँ। पहले मैं एक बुरा रंग लूंगा। इसको मैंने ऐसे कर मैंने पीला रंग लिया। और फिर मैंने धीरे धीरे खोला। ये तो झोपड़ी का एक भाग बन गया है। अभी नीचे का भी भाग। अब मैंने नारंगी रंग लिया और इसके नीचे का हिस्सा इसे ऐसे करके कर दिया। और फिर मैंने इसे मोड़ा दबाया और फिर धीरे धीरे करके थे। लेकिन अभी भी इसमें कुछ कसर है। हाँ, ये इसका दूसरा भाग है। हाँ, अब मैंने ये लाल लिया। और ऐसे करके इसके दरवाजे का आधा हिस्सा बना दिया। और फिर इसको ये सब करके फिर धीरे धीरे करके मगर अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर रह गई है। वो है खिड़की की। खिड़की के लिए और इसे ऐसे कर दिया। और फिर इसे दबाकर धीरे धीरे करके। वाह, ये तो झोपड़ी तो ये तैयार हो गई है। कितनी अच्छी लग रही है ना। देखा दोस्तों, इस खेल में कितना मजा आया। इसी तरह आप भी रंग फैलाइए और उसमें आकृतियां ढूंढिए और आनंद उठाइए। नहीं, आप मन में सोचा हुआ चित्र भी बना सकते हैं।